आज आप सभी लोगों के साथ रोहू फिश की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जो हमने 1 किलो रोहू फिश लिया है और इसे हमने कैसे बनाया है, कैसे प्रिपेयर किया है, ये देखने के लिए वीडियो हमारे साथ बने रहे। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जो फिश लेनी है उसे मैरिनेट कर लेना है, क्योंकि एक स्मेल होती है उसके अंदर। तो आप उसे मैरिनेट करेंगे तो जो स्मेल होती है वो कम हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले हल्दी और नमक से इसे मैरिनेट कर लिया है। चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ना करें तो भी चलेगा, लेकिन हल्दी आपको यूज़ कर लेनी है एक बार। और उसके बाद इसको आप फ्राई कर लें। तो हमने तेल गर्म होने दिया है, हमने सरसों तेल लिया यहाँ पर। और इसमें एक एक करके आपको सारी जो पीसेस हैं हमारे उससे फ्राई कर लेना है। इससे क्या होता है, कुरकुरापन आ जाता है और काफ़ी लोग इस तरह से खाना पसंद करते हैं। आप इसे नॉर्मल भी ग्रेवी में पका सकते हैं, बट अगर फ्राई कर लेंगे तो उसका टेस्ट आपका 2 गुना हो जाएगा। इसलिए कभी फिश बनाएं तो पहले से फ्राई कर लें। तो फ्राई करने से ये होता है कि एक क्रिस्पीपन आ जाता है और खाने में बहुत बढ़िया लगती है। तो हमारा देखिए फिश फ्राई हो गई है। अब इसे एक एक पीस करके आपको निकाल लेना है। हमने तेल भी इसलिए कम यूज़ किया क्योंकि जो हम तेल इसमें यूज़ करेंगे उसके बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं और नॉन वेज खाने वाले कम हैं। इसके लिए आपको जितना तेल की यूज़ हो उतना ही आप यूज़ करें। ये हमारे गरम मसाले हैं, जीरा है और ये पत्तर फूल और ये काले काली मिर्च और ये बाकी जो मसाले छोटे मोटे होते हैं वो हैं। ये मसाले आप जो भी बेसिक आपके घर में हो यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी। गरम मसाला में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है। आपके घर में जितने मसाले अवेलेबल हो उतने आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने फिश भी फ्राई कर लिया है, हमारा गरम मसाला भी तैयार है और ये हमारा हरा मसाला जितने भी है। ये सबसे पहले हमने प्याज लिए, एक प्याज लिए। प्याज आपको कम डालनी है, नहीं तो आपकी जो ग्रेवी है वो मीठी हो जाएगी। अदरक का टुकड़ा है, धनिया है, हरी मिर्च है और लहसुन। ये इतने से मसाले हैं। अब इनको हम धनिया को छोड़ के बाकी को हम कूट लेंगे, क्योंकि धनिया ऊपर से गार्निशिंग करने में काम आएगा। ये हमारे सूखे मसाले हैं। सबसे पहले ये धनिया पाउडर है, ये 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच हमने यूज़ किया है। और साथ में आपको हल्दी यूज़ करना है। हमने पहले भी हल्दी यूज़ की, इसलिए हल्दी उस प्रकार से यूज़ करेंगे। हमने आधी चम्मच हल्दी यूज़ कर ली और ये आधा चम्मच गरम मसाला और साथ में लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। हमने हरी मिर्च भी यूज़ की है, इसलिए इस प्रकार से लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं। और साथ में थोड़ा जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है रंगत के लिए उससे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा चम्मच उसे भी ले लेंगे। और इन सभी को पानी में भिगो के फिर बाद में मसाले के तौर पे यूज़ करेंगे। अब ग्रेवी का टाइम हो चुका है, तो सारे जो गर्म मसाले आपने लिए हैं उसे एक साथ डाल सकते हैं आप। और आपको आँच मीडियम रखनी है या मीडियम टू लो रखनी है कि आपके जो मसाले जले नहीं। इसे अच्छे से भून जाने के बाद हम अपने जो हरे मसाले हमने लिए हैं उसे हम यूज़ करेंगे, मतलब जो प्याज है, लहसुन है, जिनको हमने अच्छे से कूट लिया है उसे एक एक करके यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले प्याज को ऐड कर दिया है, इसके भुन जाने के बाद बाकी ये ऐड करेंगे। अब थोड़ा भुन जाने दें इसको प्याज को। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जो फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम टू लो रखनी है। ये देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का कूट लिया था उसको अब ऐड कर दिया है। इसे भी थोड़ा अच्छे से भुनने देंगे। भुन जाने के बाद अब जो हमने मसाले लिए थे उसे पानी में भिगो लिया था गर्म पानी में, और उसे ऐड कर देना है और हल्की आंच पे भूनते रहने देना है, ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बने। मसालों की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मसाला भुन चुका है, क्योंकि जो ऑयल है वो ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रहे हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करें। और हमने गर्म पानी ऐड किया है, कभी भी आपको जब मसाले भुनने के बाद गर्म पानी का ही यूज़ करना है। और इस स्वाद अनुसार नमक, हमारी जो ग्रेवी है उसमें उबाल आ चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और उसमें जो पीसीस है वो ऐड कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फिश होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, नरम होती है, तो उसके जो पीसेस अगर पहले ऐड कर देंगे और उबाल आने देंगे तो उसके पीसेस जो टूट जाएंगे। इसलिए देखिए अब फिश करी हो गई है, साइड में आप ऑयल भी देख सकते हैं। बहुत ही हल्के मसालों के साथ हमने इसको प्रिपेयर किया है।
अब ये सर्व कर लेते हैं। ये रोहू फिश थी, एक रोहू फिश थी 1 kg की। तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सभी जानते हैं कि। और ये आपको नेचुरली वैसे हमने इसे लाया था, ऐसा नहीं कि कोई फार्मिंग से या तो फिर जो बर्फ़ पे से आती है वो नहीं थी, तालाब से इसे लेके आए थे। और थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है बट स्वाद में बहुत अच्छी होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।